हेलो सिस्टर, डब्ल्यूएक्स विद लव वांगचेन में अब सबका स्वागत है। तो मैं स्टोरी का नाम तो मुझे याद नहीं है, आप लोग मुझे बताओ कि मैं स्टोरी का नाम क्या रखूँ। वांगचेन है तो हमने उस पार्ट में देखा था कि हमारा जो विंग होता है वो वांग जी की बाहों में ही सो जाता है और उसे बहुत ज़्यादा सेफ फील होता है और वांग जी भी उसे करे हुए था। तो अब चलते हैं उसके आगे, पर उससे पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हाँ कमेंट करके मुझे जल्दी से बताना आपको स्टोरी कैसी लग रही है। तो ओके, तो ले स्टार्ट, मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। तो हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा वांग जी और विंग दोनों ही अभी एक दूसरे के बाहों में सोए हुए थे। तभी हमारे वांग जी की आँख खुलती है सुबह सुबह, क्योंकि रात कब की हो चुकी थी। वो दोनों जब विंग वनिंग से मिला था तब शाम के 5 बज रहे थे और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। और यहाँ पे रूल है सुबह 5 बजे उठ जाना है। यहाँ पर वांग जी उठता है और उठते के साथ उसका जो आंखें खोलते ही उसके फेस बल्कि उसका जो आंखें है ना वो एक फेस पे जाके टिक जाती है और वो फेस हमारे विंग का था। वांग जी विंग को देखता है और वो कहता है कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाएगा विंग, क्योंकि सुबह सुबह उठने के साथ मैंने तुम्हारा फेस देखा है। वांग जी ऐसा बोलता है। विंग जो कि अभी सोया हुआ था, वांग जी उसी की तरफ देख रहा था। वांग जी कहता है, फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें मेरे बाहों में सोते हुए देखा है, फर्स्ट टाइम विंग। मैं बयान नहीं कर सकता मैं कितना खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा ही। तुम मेरी बाहों में भी लेटे हुए हो, मैं सपना देख रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे लगा था कि तुम सच में वेंडिंग के लाइफ पार्टनर होगे एंड फिर तुम वेंडिंग के साथ ही रहोगे, और मैंने यही सोचा था। बट मुझे ये कभी नहीं लगा था कि तुम मेरे हो सकते हो, कभी मेरे हो सकते हो और मेरी बाहों में कभी सोओगे। मुझे कभी भी ये मैं बयां नहीं कर सकता विंक, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा ही। ऐसा वांग जी बोल विंग को ही देख रहा था। वो ये सब मन में कह रहा था कि विंग को सुनाई ना दे अगर विंग उठ भी गया हो तो। यहाँ पर वांग जी विंग को ही देख रहा था। अगर वांग जी हिला भी ना तो विंग की नींद खुल जाएगी और वांग जी नहीं चाहता कि विंग की नींद टूटे। वांग जी वहीं पे लेटा रहता है, लेटा रहता है, लेटा रहता है। फिर थोड़ी देर बाद हमारी विंग की आँख खुलती है। विंग वांग जी की तरफ देखता है। विंग की आँख खुलते के साथ वो वांग जी को देखता है और वांग जी को देख कर वो छोटी सी स्माइल करता है। छोटी सी स्माइल करने के बाद वो अपनी धीरे धीरे आँखें खोलता है। आँखें खोलने के बाद वो पूरी तरह से वांग जी को देखता है। फिर वांग जी भी उसे देख रहा था। विंग कहता है, तुम उठ गए? ऐसा विंग बोलता है। वांग जी कहता है, मुझे एक चीज़ बताओ, तुम शॉक्ड क्यों नहीं हुए? विंग कहता है, क्या मतलब, और मैं शॉक्ड क्यों हूँ? वांग जी कहता है, क्योंकि ऐसी उम्मीद तो तुमने वेंडिंग के साथ रखी होगी, है ना? विंग वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, मैंने सही कहा ना विंग, तुम शायद मेरी जगह पर वेंडिंग को सोच रहे होगे कि सुबह सुबह उठने के साथ तुम वेंडिंग को देखोगे एंड वेंडिंग तुम्हें किस करेगा, तुम भी वेंडिंग को किस बैक करोगे, ये वाला तुमने देखा होगा शायद, है ना? ये ख्वाब तुमने देखा होगा। सोच सकता हूँ, क्योंकि तुम वेंडिंग से प्यार करते हो ना, तो ये देखा वही देखा ही होगा तुमने। ऐसा वांग जी बोलता है। विंग वांग जी की तरफ ही देख रहा था, पता नहीं क्यों, बट ये सुन विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था वांग जी पे। मन कर रहा था विंग का कि वांग जी का मुंह वो बंद कर दे। उसे ये सुनते ही कि वांग विंग वार्निंग का है, वांग हमारे विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। विंग कहता है, चुप करो। वांग जी कहता है, क्या हुआ विंग? विंग कहता है, कुछ कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। वो ऐसा बोलता है। वांग जी कहता है, वैसे ये बताओ, तुम उत्ते के साथ शॉक भी नहीं हुए और मुझे देखकर स्माइल किया, क्यों? विंग कहता है, क्या नहीं कर सकता? वांग जी कहता है, नहीं, ओटे के साथ ऐसा होता है ना कि हम भूल जाते हैं रात की सारी बातें। तो तुम फर्स्ट टाइम मेरे साथ सोए हुए हो और सुबह सुबह मेरा फेस देखा, तो तुम्हें शॉक होना चाहिए या फिर तुम्हें ऐसा कहना चाहिए कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे मेरे को क्यों टच किया और ऐसे, मतलब कि मेरे साथ क्यों सोए, मतलब ये सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रही है? विंग बोलता है, नहीं, मैं ऐसी फालतू की चीज़ें नहीं सोचता, और तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया है और मुझे तुम्हारे साथ सेफ फील कर रहा सेफ फील हो रहा था। वांग जी कहता है, हाँ मैं एक चीज़ तो भूल ही गया, कि तुम्हें मेरे साथ डर नहीं लग रहा था? मैं अल्फा हूँ, तुम ओमेगा हो, मैं तुम्हारे साथ रात को कुछ कर देता तो?
विंग पांग जी की तरफ देखता है। विंग को हंसी आ रही थी। विंग थोड़ा सा हंसते हुए कहता है, अच्छा तुम तो मेरे साथ कुछ कर देते। पांग जी कहता है, हंस क्यों रहे हो? विंग कहता है, पता नहीं क्यों पर मुझे हंसी आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है सब तुम मजाक कर रहे हो। तुम बिना मेरी परमिशन के मुझे टच भी नहीं करोगे, मुझे अच्छी तरह से पता है। और मुझे तुम्हारे साथ सेफ फील हो रहा था, और मुझे इतना यकीन था कि तुम मुझे कुछ भी नहीं करने वाले, कुछ भी नहीं। और ये भी था कि तुम किसी और को भी मुझे टच करने नहीं दोगे और ना ही खुद टच करोगे। हाँ तुम मुझे अपनी बाहों में लेकर सोए हुए थे, बट इसी वजह से कि मैं अच्छी नींद ले पाऊँ, राइट? विंग ऐसा बोलता है। पांग जी स्माइल करते हुए कहता है, स्मार्ट। विंग कह रहा है, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ सोच रहा था और मेरा सोचने का तरीका बिल्कुल सही निकला। वांग जी विंग की तरफ देखता है। वांग जी के फेस पे भी स्माइल थी और विंग के भी फेस पे स्माइल थी। वांग जी कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे रूम में छोड़ देता हूँ, तुम फ्रेशन अप हो के तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, ठीक है? वांग जी ऐसा बोल विंग को विंग के रूम में छोड़ देता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है। विंग कहता है, तुम कहीं जा रहे हो? वांग जी कहता है, हाँ वैसे भी 2 दिन बाद हमारे लाइफ पार्टनर चुनने का दिन है, तो मुझे मेरे डैड ने कुछ काम दिया है, उसके बाद मैं उसी दिन वापस आ जाऊँगा उसी नाइट को, एंड फिर मुझे वहाँ पे जाना भी है और मुझे पता भी लगाना है मेरा लाइफ पार्टनर कौन होगा। वैसे वो तुमने जैसे कहा था ना कि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ओमेगा होगा, ऐसा वांग जी बोल स्माइल कहता है। इसे सुनने के बाद क्यों विंग को जलसी हो रही थी। विंग कहता है, आ, आ, क्या तुम्हारा ओमेगा ब्यूटीफुल होगा? वांग जी कहता है, हाँ तुमने कहा था ना मेरा ओमेगा सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा, बिल्कुल मेरी तरह, है ना विंग? होगा ना? विंग के फेस से अभी स्माइल हट चुकी थी। विंग कहता है, हाँ हाँ होगा। विंग ऐसा बोलता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, क्या हुआ विंग? तुम्हारे फेस पे अभी स्माइल थी, स्माइल कहाँ गायब हो गई? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे दोस्त का ओमेगा ब्यूटीफुल सा होगा, और मैं सच बोल रहा हूँ विंग, तो मैं उस ओमेगा के साथ बहुत खुश रहूँगा, भले ही वो ब्यूटीफुल हुआ या ना हुआ, बस दिल का अच्छा होना चाहिए, ऐसा वांग जी बोलता है। विंग अब वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वांग जी कहता है, चलो अब मैं चलता हूँ, मैं 2 दिन बाद लौटूंगा, ठीक है? तो अपना ख्याल रखना विंग, और हाँ वेंडिंग से दूर रहना, समझ गए? ऐसा वांग जी बोलता है, विंग के फोरहेड पे किस करता है। विंग वांग जी को जाते हुए देख रहा था। वांग जी कहता है, विंग विंग, जो कि वांग जी की तरफ ही देख रहा था। विंग वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वांग जी टर्न होता है, विंग की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, वैसे आई एम सॉरी विंग, उस वक्त मैं सिर्फ तुम्हारे दिमाग को हटाने के लिए तुम्हें किस किया था, क्या तुम्हें कोई दिक्कत हुई थी क्या? विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी को वो किस, अरे विंग को वो किस याद आती है, और विंग याद करता है कैसे वांग जी ने उसे किस किया था। विंग जो कि वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वांग जी कहता है, विंग क्या हुआ? वांग जी कह, अरे वांग जैसा बोलता है। तो विंग कहता है, कुछ नहीं, ऐसा वो बोलता है और कहता है कि तुम जा सकते हो, मुझे नहाने जाना है। विंग की बात एकदम जैसे उसके फेस पे बिल्कुल भी स्माइल नहीं थी, जैसे उसके फेस से स्माइल उड़ चुकी थी, बिल्कुल उड़ चुकी थी। वांग जी विंग की तरफ देखता है, स्माइल करता है। विंग जो कि टर्न हो चुका था और उसे पता, उसे लगा कि वांग जी जा चुका है, पर वांग जी तो वहीं पर खड़ा था। विंग जो कि टर्न होता है और बाथरूम की तरफ जाने लगता है, वांग जी उसका हाथ पकड़ता है, अपनी तरफ करता है। विंग एक सेकंड के लिए थोड़ा सा डर गया था कि कौन आ गया, वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी विंग को अपने क्लोज करता है और विंग की तरफ देखता है, विंग की आंखों में देखता है। विंग की आंखों में वांग जी को थोड़ा घना उसके लिए प्यार नजर आ रहा था। वांग जी कहता है, विंग विंग, चूंकि वांग जी की तरफ ही देख रहा था। विंग और वांग जी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज खड़े थे। विंग कहता है, हाँ। वांग जी कहता है, क्या तुम्हें जलस हो रही है कि मैं किसी और ओमेगा के साथ? विंग जो कि अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और कहता है, नहीं। वांग जी कहता है, मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो, क्या तुम्हें हो रही है? ऐसे नज़रें नीचे कर लोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि तुम जलसी फील कर रहे हो, तो मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। विंग विंग जो कि कहता है, मैंने बोला ना नहीं हो रहा है। वांग जी जो कि विंग को कहता है, ठीक है सच में नहीं हो रहा है ना, तो मैं चला जाऊँ? वांग जी जैसा बोलता है। विंग कहता है, हाँ तुम जा सकते हो। वांग जी कहता है, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? विंग बोलता है, नहीं पड़ेगा। वांग जी विंग की तरफ ही देख रहा है। वांग जी अच्छी तरह से विंग के दिमाग में विंग की दिल की बातें सब कुछ समझ पा रहा था कि विंग को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा था अभी। वांग जी उसे जा रहा है छोड़कर 2 दिन के लिए, विंग कैसे वांग जी के बिना रह पाएगा? और वेंडिंग वेंडिंग
विंग को 2 दिन के लिए छोड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। विंग को कितना सतर्क रहना है विंग को ही पता है। वांग जी विंग के फोरहेड पे किस करता है फिर से, और फिर विंग के जो जो गर्दन होती है ना उसे पकड़ता है एंड अपने क्लोज करता है और उसके लिप्स अपने लिप्स से छोड़ता है, और छोड़ने के बाद उसे किस करने लगता है। यहाँ पर विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है, विंग भी वांग जी को किस बैक करता है। वांग जी और विंग एक दूसरे को किस कर रहे थे, थोड़ी देर वो दोनों किस करते रहते हैं क्योंकि हमारा वांग जी थोड़ा सा लॉन्ग किस ले लेता है क्योंकि उसे 2 दिन के लिए जाना था तो उसे लॉन्ग किस चाहिए थे, इसी वजह से वो थोड़ा सा तो हैप्पी रहता वहाँ पे। वांग जी एकदम लॉन्ग किस लेने के बाद विंग को छोड़ता है, उसका फोरहेड अपने फोरहेड से टच करता है। विंग अभी गहरी गहरी सांसें ले रहा था, वांग जी भी थोड़ी सांसें गहरी ले रहा था। वो विंग की तरफ देखता है और विंग को कहता है, विंग विंग जो कि वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुमने मुझे किस क्यों किया? वांग जी कहता है, जब मैं आऊँगा तुम्हें पता चल जाएगा। ऐसा वांग जी बोलता है और कहता है, अपना ख्याल रखना और हाँ चैंग को मैं कह देता हूँ कि वो तुम्हारे साथ रहे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वन तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ करने की कोशिश करे फिर से, और इस बार मैं 2 दिन के लिए नहीं आऊँगा तो प्रोटेक्शन के लिए मैं तुम्हारी इस रूम के बाहर कुछ प्रोटेक्शन मतलब कि कह सकते नहीं यार कुछ होता है ना यार रक्षा कवच जैसा, हाँ तो वही वांग जी कहता है कि वो लगा दूंगा, समझ गए? तुम इस रूम से बाहर तभी जाओगे जब तुम्हारे साथ चैंग होगा, अकेले बाहर नहीं जाओगे, ऐसा वांग जी बोलता है। विंग वांग जी की तरफ ही देख रहा था, विंग के और वांग जी की नोज एक दूसरे से टच हो रही थी। वांग जी जो कि विंग को देख रहा था और विंग को ये सारी बातें बोल रहा था और विंग अभी भी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। विंग कहता है, क्या तुम 2 दिन में लौटाओगे ना वांग जी? वांग जी कहता है हाँ। वांग जी ऐसा बोल फिर वहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ पर वांग जी के जाते ही विंग के फेस जो कि फिर से एकदम सुना सुना उसे लग रहा था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था उसे, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। विंग अभी बेड पर बैठा हुआ था और वो सोच रहा था इस किस के बारे में, वांग जी ने उसे किस किया, वांग जी और उसके बीच क्या है, क्या है मतलब विंग को खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके और वांग जी के बीच क्या है ऐसा जो उसे वांग जी के साथ वेंडिंग से ज़्यादा सेफ फील होता है और वेंडिंग से इतना डर लगने लगा है उसे, और वांग जी उसे किस करता है तो उसे अच्छा लगता है जबकि वेंडिंग भी उसे टच करता था पहले तो अच्छा लगता था पर ज़्यादा टच करता था तो विंग को पसंद नहीं आता था, बट वांग जी ने तो सीधा उसे किस किया है फिर भी विंग को बुरा नहीं लगा। विंग बस ये सब सोच रहा था, क्यों उसे बुरा क्यों नहीं लगा, क्यों नहीं लगा उसे बुरा, क्यों उसे वांग जी के साथ इतना अच्छा लग रहा है, क्यों उसे वांग जी के साथ वनिंग से 10 गुना ज़्यादा सेफ फील हो रहा है, क्यों उसे एकदम अलग सी फीलिंग्स हो रही है वांग जी के साथ, क्यों उसे एकदम ऐसा लग रहा है जैसे वो वांग जी के साथ एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर सिर्फ वो और वांग जी ही हैं और अपनी लाइफ एकदम खुल के जी रहे हैं। विंग को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर उसे पूरी की पूरी छूट है, वो कहीं भी जा सकता है, घूम फिर सकता है, अपनी लाइफ जी सकता है। वो बहुत ज़्यादा ही वांग जी के बारे में सोच रहा था, बहुत ज़्यादा ही। और यहाँ पे ये 2 दिन होते हैं बल्कि हमारे विंग के 2 दिन, वो एक दिन तो पूरा दिन वो वहीं पे रहता है, दूसरे दिन वन हमारा जो चैंग होता है वो वहाँ पे आ जाता है रहने के लिए हमारे विंग के साथ क्योंकि वांग जी ने उसे बोल दिया था। विंग कहता है, वांग जी ने तुम्हें बोला? चैंग बोलता है, हाँ मुझे वांग जी ने बोला कि तुम्हारे साथ रहना ही करके, वैसे मुझे सच सच बताओ क्या हुआ है, मुझे सच बात जाननी है तुम्हारे और वांग जी के बीच क्या है और वनिंग वनिंग मतलब मुझे बताओ सच क्या है। विंग फिर चंग को सारी सच्चाई बता देता है। इसे सुनने के बाद चंग को इतना गुस्सा आता है वनिंग पे कि मन करता है कि वो वहीं पे वनिंग को मार दे। चंग बोलता है, उस वनिंग के बच्चे ने यह हरकत करने की कोशिश की है। इस पर विंग बोलता है, रुक जाओ चंग। जिस पर चंग बोलता है, और वांग जी ने ये कहा कि अगली बार ऐसा कुछ होगा तो वांग जी उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा? विंग कहता है, हाँ यही कहा। विंग ने ये नहीं बताया था कि वांग जी ने उसे किस किया, विंग ने सिर्फ इतनी बातें बताई थी कि वांग जी ने उसके साथ क्या क्या करने की कोशिश की, कैसे कैसे, और वांग जी ने कैसे उसे प्रोटेक्ट किया। विंग ने ये नहीं बताया कि वांग जी ने उसे किस भी किया है। चंग बोलता है, अच्छा वांग जी सच में लड़का बहुत अच्छा है। विंग, उसने तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए मुझे भेजा कि मैं तुम्हारे पास आऊँ, वैसे तो मैं
यूँ तो तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, नॉर्मल बात है, पर तुम रहने नहीं देते। और अभी तुम रहने दे रहे हो, और तुमने वांगजी की बात मानी। सच में वांगजी बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा। चैंग जब वांगजी की तारीफ कर रहा था, विंग के फेस पे स्माइल आती जा रही थी। विंग कहता है, हाँ सही कहा, वो बहुत अच्छा है। विंग ऐसा बोलता है, चैंग विंग की तरफ देखता है, क्योंकि विंग का बिहेवियर अलग ही लग रहा था, जैसे विंग नशे की धुत में बोल रहा हो। चैंग बोलता है, विंग। विंग फिर होश में आते हुए कहता है, हाँ। चैंग बोलता है, कहाँ खो गए? विंग बोलता है, नहीं कुछ नहीं। विंग और चैंग पूरा दिन वहाँ पे रहते, मतलब कि 2 दिन हो चुके थे, मतलब कि यार जिस दिन वांग जी गया था उसका दिन एंड अगले दिन, अभी 1 दिन बाकी था और नेक्स्ट डे हमारा वांग जी आने वाला था। विंग वांग जी का वेट कर रहा था, बस 1 दिन, 1 दिन और फिर वांग जी कल उसके पास होगा। विंग ये सोच रहा था, विंग के फेस पे स्माइल आती जा रही थी। विंग ये सब सोच रहा था और विंग अपने नखे चबाए जा रहा था। तभी चैंग फ्रेशनर होकर बाहर आता है और आने के बाद वो विंग को देखता है। क्यों विंग अपने नखे चबाते हुए सिर्फ सोच रहा था, कहता है, वांग जी आएगा तो क्या कहेगा, और अगर वो आया तो मैं उसे कैसे बात करूँगा, और उसने मुझे किस भी किया है, क्या वो मुझे लव करता है? विंग कहता है, अगर अगर वो नहीं करता होगा तो, मतलब उसने कहा भी है पर उसने मुझे किस भी तो किया है ना, कैसे कैसे कोई शख्स बिगर लव करे किसी को किस कर सकता है? नहीं, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, पर उसने मुझे बताया भी नहीं है, और वो किसी और उमेगा की बात कर रहा था। क्या वो सच में किसी और उमेगा से शादी कर लेगा? क्या उसका लाइफ पार्टनर कोई और होगा और मेरा लाइफ पार्टनर वैनिंग होगा? अगर उस हेड में उस उसमें दिख गया कि मेरा लाइफ पार्टनर वैनिंग है तो क्या होगा? मैं क्या करूं? विंग जो कि अभी खुश हो रहा था, उसके फेस से खुशी उड़ जाती है और उसे अभी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। विंग बयान नहीं कर सकता उसे कितनी टेंशन हो रही थी। विंग जो कि सोच रहा था, क्या क्या कहीं अगर वार्निंग निकला तो पक्का उसकी लाइफ पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगी। नहीं, विंग जो कि पहले सोचा करता था कि उसका लाइफ पार्टनर वेंडिंग ही होगा, बट अब वो सोच रहा है, नहीं, उसका लाइफ पार्टनर वांग जी निकलना चाहिए, या तो फिर कोई निकल ही ना, है ना, निकल ही ना, मतलब कि जैसे कैसे कोई होना ही नहीं चाहिए फिर तो, अगर वांग जी नहीं हुआ तो। और वांग जी की लाइफ में अगर कोई और लाइफ पार्टनर हुआ उसका, तो विंग को नहीं चाहिए। अगर विंग की लाइफ में कोई और हुआ, वांग जी की लाइफ में कोई और हुआ, तो विंग को नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। विंग आत्महत्या कर लेगा, पर विंग उस शख्स से शादी नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। विंग ये सोच रहा था, और अगर विंग का अल्फा वार्निंग निकला तो विंग तो गया। विंग ये सब सोच रहा था, विंग अपना माथे को पकड़ लेता, विंग बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा था। चैंग सब कुछ विंग जैसे हरकतें कर रहा है, पहले हंस रहा था, अब इतना ज़्यादा दुखी हो रहा है, इतना ज़्यादा सैड हो रहा है, इसका माथा खिसके जा रहा है, विंग पागल हो जाएगा। चैंग विंग के पास उतर कहता है, विंग। विंग जो कि चैंग की तरफ देखता है, कहता है, चैंग चैंग कहीं कहीं मेरा लाइफ पार्टनर वार्निंग निकला तो क्या होगा? ये मैं कैसे भूल सकता हूँ? मैंने खुद दुआ मांगी थी क्यों मेरा लाइफ पार्टनर वार्निंग निकलेगा, अगर वो निकला तो चैंग चैंग मैं बताऊँ मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा? विंग ऐसा बोलता है, विंग की आंखों में से आंसू आना स्टार्ट हो जाता है, विंग रोने लगता है। ये देख चैंग विंग को हक कर लेता है और कहता है कि नहीं विंग, तुम्हारा लाइफ पार्टनर कोई और निकलेगा, कोई और निकलेगा, वार्निंग नहीं निकलेगा। जिस पर विंग कहता है, नहीं वही निकलेगा, मैंने बहुत ज़्यादा मिन्नत की उसे पाने की, और कहीं वो ही निकला तो मैं क्या करूँगा? वार्निंग वार्निंग जो कि विंग को कंसर्न करने की कोशिश कर रहा था, विंग को संभालने की कोशिश कर रहा था, वो कह ही जा रहा था, नहीं विंग नहीं, तुम्हारा लाइफ पार्टनर वार्निंग नहीं निकलेगा। विंग समझ नहीं रहा था, नहीं वो वही निकलेगा, वही निकलेगा। तभी वार्निंग, अरे हमारा चैंग सोचता है और फिर कहता है कि तुम्हारा लाइफ पार्टनर वांग जी निकलेगा। इस पर विंग चुप हो जाता है और चैंग की तरफ देखता है। चैंग बस यूं ही बोल रहा था, कहीं विंग का दिमाग इससे थोड़ा कुछ और सोचने लगे, बट ये देखते ही चैंग भी थोड़ा शॉक्ड हुआ था, क्योंकि विंग सच में अब वांग जी के बारे में सोच रहा था। चैंग को यही बढ़िया लगता है कि वो विंग का दिमाग थोड़ा सा अलग करे, मतलब कि
वो सारी बातों से उसका दिमाग हटाए, इसलिए वो कहता है कि हाँ तुम्हारा लाइफ पार्टनर वांग जी ही निकलेगा। तुम वांग जी के बारे में सोचो, वांग जी तुम्हारा लाइफ पार्टनर निकलता है तो तुम उसके साथ क्या करोगे विंग? इस पर विंग सोचता है, वांग जी अगर वांग जी उसका लाइफ पार्टनर निकला तो वो वांग जी के साथ क्या क्या करेगा? इधर घूमने जाएगा, उधर घूमने जाएगा, वो वांग जी के साथ कितना खुश रहेगा? विंग ये सब सोच रहा था, विंग के फेस पे अब स्माइल आती जा रही थी। ये देख चैंग एक रिलीफ की ब्रीथ छोड़ता है और कहता है, विंग तू सच में इतना कुछ सोच लेता है? अभी तो मेरे को हार्ट अटैक ही आ जाता, तूने मिनी हार्ट अटैक दिलवाया है मुझे, चैंग ऐसा बोलता है। चैंग फिर विंग को वांग जी की बातें करने के लिए छोड़ देता है और फिर वहाँ से वो खाना लेने के लिए चला जाता है। यहाँ पर विंग वांग जी के बारे में सोचा जा रहा था, सोचा जा रहा था, सोचा जा रहा था। यहाँ पर वहीं पे जो कि वेंडिंग होता है वहाँ पे आया था एंड उसने ये देखा था कैसे विंग बोल रहा है अगर उसका लाइफ पार्टनर विंग निकलेगा तो। जैसे ही फिर चैंग ने बोला कि लाइफ पार्टनर वांग जी निकलेगा तो विंग के फेस पे कैसे स्माइल आ रही है, ये सब वेंडिंग ने देख लिया था। वेंडिंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। जैसे ही चैंग उस रूम से गया वैसे ही वेंडिंग उस रूम में आ चुका था, पर विंग का ध्यान नहीं था, बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। विंग बस ये सोचने में व्यस्त था कि वांग जी उसका लाइफ पार्टनर हुआ तो वो वांग जी के साथ क्या क्या करेगा, कैसे वांग जी उसे घुमाने ले जाएगा, कैसे वो दोनों घूमेंगे इधर उधर और कैसे अपनी लाइफ जिएंगे, कैसे विंग वांग जी के साथ हंसेगा, उठेगा, बैठेगा, कूदेगा, कैसे रोमांटिक सीन के बीच होगा। विंग ये सब सोच रहा था और उसका ध्यान ही नहीं था कि वनिंग उसके पीछे खड़ा हुआ है। वनिंग विंग को बहुत गुस्से में देख रहा था क्योंकि विंग अब वांग जी के बारे में सोच रहा था और ये सब कुछ वनिंग अच्छी तरह से नोटिस कर रहा था, बिल्कुल अच्छी तरह से। उसे पता चल चुका था कि विंग अब उससे प्यार नहीं करता है, वांग जी से प्यार करता है। वनिंग कहता है विंग, ऐसा वो बोलता है। तब विंग एकदम से विंग होश में आता है एंड पीछे मुड़ के देखता है एंड जब वो वेंडिंग को देखता है वो शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है वेंडिंग? वेंडिंग विंग को देखता है, विंग भी वेंडिंग को देखता है। विंग डर चुका था, विंग कहता है फिर वेंडिंग? वो एकदम से डर के मारे पीछे खिसक जाता है और उसके चक्कर में वो बैठ के नीचे गिर जाता है। हमारा विंग हड़बड़ाहट में बैठ के नीचे गिर चुका था, वो बहुत ज़्यादा डर चुका था वेंडिंग को अपने सामने देख के। विंग कहता है हगला दे वेंडिंग, ऐसा वो बोलता है। वेंडिंग विंग की तरफ ही देख रहा था। वैंकिंग नहीं हर वनिंग वनिंग विंग को बहुत गुस्से में देख रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्से में। विंक वनिंग से डरा था, विंक पीछे पीछे जा रहा था, वनिंग उसके आगे आगे आ रहा था। वनिंग कहता है विंक तुम मेरे होते हुए किसी और के बारे में कैसे सोच सकते हो? तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे, तुम मेरे बारे में सोचोगे और मैं ही तुम्हारा लाइफ पार्टनर हूँ, मैं ही तुम्हारा अल्फा हूँ, समझ रहे हो तुम? तुम मेरा ही मेरे ही बारे में सोचोगे, किसी और के बारे में नहीं, उस लाल वांग जी के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा वनिंग कहता है और विंग को पकड़ता है। विंग कहता है वनिंग मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो, मुझे टच भी मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे तुमसे गेंद आ रही है, ऐसा विंग बोलता है चिल्लाते हुए। वनिंग कहता है मुझसे गेंद आ रही है? विंग बोलता है हाँ मुझे तुमसे गेंद आ रही है। वनिंग कहता है अच्छा तो लाल वांग जी का टच तुम्हें पसंद आ रहा है ना, मुझसे गेंद आने लगी अब तुम्हें? विंग बोलता है मुझे तो तब से गेंद आना स्टार्ट हो गई थी जब से तुमने मुझे थप्पड़ मारा था। विंग ऐसा बोलता है। विंग अब बिल्कुल भी छुपना नहीं चाहता वनिंग से, बिल्कुल भी डरना नहीं चाहता, वो स्ट्रांग बनना चाहता है, वो वनिंग का सामना करना चाहता है। वो कहता है मैं तुमसे नहीं डरता वनिंग, तुमने जो मेरे साथ करने की कोशिश की है ना उसकी सज़ा मैंने तुम्हें देने के लिए कही थी, याद है तुम्हें? मैं उसकी सज़ा तुम्हें दूंगा, ऐसा विंग बोलता है। वनिंग कहता है बहुत जुबान खोलने लगी है विंग तुम्हारी, तुम्हें अच्छी तरह से पनिशमेंट देनी पड़ेगी, अब तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, मैं तुम्हारा ऐसी हालत करूंगा ना विंग कि सब लोगों को पता चल जाएगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, वनिंग ऐसा बोलता है। विंग अब जो बोल रहा था उसका कॉन्फिडेंस था वो अब कॉन्फिडेंस उड़ चुका था उसका, उसे बहुत डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो दिल से वांग जी को याद कर रहा था, वांग जी प्लीज़ हेल्प करो मेरी, वांग जी प्लीज़ हेल्प करो मेरी, ऐसा विंक मन में कह रहा था। विंक को अब डर लग रहा था वनिंग से, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वनिंग उसे पकड़ता है और ज़बरदस्ती उसे वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है। विंक कहता है मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। वांग जी कहाँ हो तुम? वांग जी विंक तुम्हें याद कर रहा है, प्लीज़ वांग जी। यहाँ पर विंग वनिंग जो कि ऐसे ही उस रूम में नहीं आ सकता, बिल्कुल भी नहीं आ सकता, वेंडिंग ने बहुत मुश्किल, मतलब कि वो कल ही आ जाता बट
उससे वो रक्षा कवच टूट ही नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं टूट रहा था। वैसे भी वांग जी के पास अपनी शक्तियाँ नहीं है, इसलिए उसे वो रक्षा कवच बहुत कमज़ोर था। इसी वजह से वनलिंग उसे तोड़ पाया, वरना वांग जी के पास उसकी शक्ति होती और वो अपनी शक्तियों से अपना रक्षा कवच बनाता, तो वनलिंग क्या, वनलिंग के जैसे 10 लोग भी आ जाते तब भी वो रक्षा कवच बिल्कुल भी ना तोड़ पाते। पर अभी वांग जी की शक्तियाँ बहुत कमज़ोर है, इसी वजह से वनलिंग उस रक्षा कवच को तोड़कर उस रूम में आ चुका था। एंड विंग को भी वो घसीट के ले जा रहा था। विंग बहुत दिल से वांग जी को पुकारा था, बहुत दिल से कि वांग जी उसकी हेल्प करे। वो बहुत डर रहा था, बहुत ज़्यादा डर रहा था। वनलिंग उसे ले जाने ही वाला था कि चैंग वहाँ पे आ जाता है। चैंग वनलिंग और विंग को देख लेता है। चैंग बोलता है, वनलिंग वनलिंग, चूंकि विंग को हाथ चुक पकड़ा हुआ था, घसीट के वो विंग को ले जा रहा था। विंग के बाल भी उसने कस के पकड़े हुए थे। विंग छुड़ाने की कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहा था, पर वो छुड़ा नहीं पा रहा था। चैंग बोलता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ब्रदर को टच करने की? हाँ ऐसा चैंग बोल अपना एक वार विंग हमारे वनलिंग के ऊपर करता, मतलब कि वनलिंग के ऊपर करता। वनलिंग पीछे खिसक जाता, क्योंकि यहाँ पे विंग की शक्तियाँ विंग को नहीं मिली है, बिल्कुल भी नहीं मिली है। यहाँ पर विंग छोटा है ना, तो विंग को अभी तक उसकी शक्तियाँ नहीं मिली है। वनलिंग को उसकी शक्तियाँ मिल चुकी है, एंड हमारे चैंग को भी मिल चुकी है, पर विंग को नहीं मिली है। एंड वांग जी की शक्तियाँ तो सील कर दी गई है उसके मॉ, अरे उसके डैड और उसके ब्रदर के हाथों। इसी वजह से वांग जी के पास भी इतनी शक्तियां नहीं है अभी। वांग जी जो कि अभी जो काम करने के लिए, मतलब कि वो काम करने के लिए नहीं गया था, उसे 2 दिन मिलते हैं अपने आप को, जैसे वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, बहुत मतलब इतना ज़्यादा वीक हो जाता है। एंड उस वक्त वीक होने के साथ साथ उस नाइट को वो इतना ज़्यादा खूंखार हो जाता है कि वो किसी का भी मदर कर सकता है, मतलब कि किसी को भी जान से मार सकता है। इसलिए वो नहीं चाहता कि वो विंग को कुछ भी हानि पहुँचाए, इसी वजह से वो 2 दिन विंग से दूर है, ये ज़्यादा बेहतर है, इसलिए वो गया था। और उस वक्त भी जब विंग और वांग जी की फर्स्ट किस हुई थी, उस वक्त ही वांग जी विंग से दूर हुआ था, और 2 दिन के लिए वो खुद को बंद करके रखा था, खुद के कमरे में नहीं, भले मतलब कि इसके डैड के सामने, वो जेल के अंदर एक कमरे में। विंक अभी चूंकि जैसे ही नहीं हो, वनिंग ने उसके जो बाल छोड़े थे, विंक तुरंत ही चेंग के पीछे जाके छुप गया और वो बोलने लगा, चेंग चेंग मेरी मदद करो। चेंग चूंकि कहता है, मेरे भाई को टच करोगे तुम, मेरे भाई को टच करोगे, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा वनिंग, ऐसा चेंग बोलकर एकदम से वार करने लगता है। हमारा चैंग भी डबल वायर वैनिंग के कर रहा था, तभी चैंग बोलता है कि यहाँ पर फाइटिंग लड़ने में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए वैनिंग और चैंग वहाँ से गायब हो जाते हैं। यहाँ पर विंग बेड पर आकर बैठ जाता है और बहुत तेज रोने लगता है और वांग जी को याद करने लगता है। यहाँ पर वांग जी को अच्छी तरह से पता था विंग उसे बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, पर वांग जी कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं। यहाँ पर वो मतलब कि यहाँ पर हमारे जो शिचन होता है, वो अपने भाई को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा ही। वो बस मिन्नतें कर रहे थे कि क्या करे करके। और यहाँ पर ना वांग जी ने एक कांड कर दिया था घुसू, मतलब कि वहाँ पे घुसू, वो घुसू ही था, घुसू क्लैन। एंड वहाँ पे जो होता है ना कि यहाँ पे दिखाया जाता है करके कि यहाँ पे कौन किसका पार्टनर होने वाला है करके, तो वहाँ पे है ना हमारे वांग जी ने गड़बड़ कर दी है। इस चक्कर में हमारे शिचन बहुत ज़्यादा परेशान है और वहाँ के हेड कुरान भी बहुत ज़्यादा परेशान है। एंड यहाँ पर वांग जी के डैड वांग जी को लेकर परेशान है। अगर वांग जी की शक्तियाँ अगर रिवील हो गई तो पता नहीं है वांग जी इस गुस्से में क्या क्या कर बैठेगा। और यहाँ पर वनलिंग और चैंग दोनों ही फाइटिंग कर रहे थे, यहाँ पर विंग रो रहा था, मतलब कि ये सारे के सारे लोग कश्मकश में थे पूरी तरह से। फिर अब हमें सीन कट करके बताया जाता है नाइट का, मतलब कि नहीं नाइट का नहीं सॉरी, हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जहाँ पर अब भी यहाँ पर विंग का पार्टनर, वांग जी का पार्टनर एंड हमारे वनलिंग का पार्टनर ढूंढने जाएगा। यहाँ पर वनलिंग की हालत भी हमारे चेंग ने ख़राब की थी और चेंग की हालत वनलिंग ने, मतलब ये दोनों ने फाइटिंग की थी तो ऑफकोर्स दोनों को लगने वाला तो है ही, तो वो दोनों के दोनों जख्मी हो चुके थे, दोनों ही टक्कर वाले थे। इसी चक्कर में अगर एक भी कतिक सा पर लहाई होता या फिर कमज़ोर होता तो दोनों में से किसी एक की जान जा सकती थी, पर वो दोनों के दोनों टक्कर के थे, इसी चक्कर में उन दोनों को ही लगी है बड़ी वाली। यहाँ पर हमारे शिचन एंड चैंग दोनों खड़े थे और शिचन बोलता है कि तुम्हारी ये हालत किसने की चैंग, मुझे बताओ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस पर चैंग बोलता है कि रह रहे दो, किसी ने नहीं की, बस मैंने फाइटिंग की थी, इसी चक्कर में मुझे चोट लग गई, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक हूँ मैं, ऐसा चैंग बोलता है। शिचन बोलते पक्का? इस पर चैंग बोलता है कि मैं आपके सामने ठीक ठाक तो खड़ा हूँ ना, मैं ठीक हूँ, इसी चिंता मत करो।
सिचान बोलते हैं ठीक है, यहाँ पर वनलिंग आता है, वांग जी जो कि अभी जख्म मतलब कि तारों से लिपट लिपट के बद्धों से खोल के खुद को एकदम मस्त जैसे पहले था वैसे ही करके वो आया। यहाँ पर हमारी जो विंग की हालत बहुत ख़राब थी, मतलब कि उसे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, पूरी रात वो रो रहा था, बहुत रो रहा था, वांग जी को बहुत याद कर रहा था। एंड जैसे ही उसकी नज़र वांग जी पे जाती है एंड वांग जी की नज़र विंग पे जाती है, वांग जी को ऐसा मन कर रहा था कि विंग को जाकर वो हक कर ले करके, क्योंकि विंग की हालत उसे देखी जा रही थी किस तरह से विंग की हालत हो चुकी है। वांग जी अच्छी तरह से जानता है कि विंग उसे ही याद कर रहा था, बिल्कुल अच्छी तरह से जानता है। वांग जी चेंग को देखता है, चेंग उसे इशारों में बताता है कि रात को मतलब कि कल वेंडिंग आया था और मेरी उसके साथ फाइटिंग हुई थी एंड विंग को कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए चिंता मत करो, विंग बस रो रहा था इसी वजह से वीकनेस आ चुकी है। वांग जी को अच्छी तरह से पता है, बट वांग जी विंग को बस अभी जाकर अपने पास करना चाहता है, वो चाहता है कि विंग इस तरह से ना हो। यहाँ पर विंग को खड़ा कर दिया जाता है और विंग को वो दोनों जो वो लेकर आई थी ओमेगास वो छोड़ देती है। यहाँ पर तभी जो हेड कुरान होता है वो वहाँ का जो घंटा होता है ना यार क्या बोलते हैं उसको, टंग टंग बजता है ना वो बजाते हैं। एंड यहाँ पर दिखने का होता है कि वांग जी का ओमेगा कौन है, विंग का अल्फा कौन है और वेंडिंग का ओमेगा कौन है, यहाँ पर बताया जाता है। तो यहाँ पे है ना जो हमारा वांग जी का ओमेगा कोई और निकलता है एंड यहाँ पर विंग का अल्फा होता है वो वेंडिंग निकलता है एंड यहाँ पर वेंडिंग का जो ओमेगा होता है वो कोई और निकलता है। मतलब कि यहाँ तीनों का अलग सीन था, बट यहाँ पर विंग का था ना वो अल्फा वेंडिंग था, यहाँ पर ये पता चलता है। एंड यहाँ पर जो विंग है ना चक्कर खा के गिरने वाला था, यहाँ पर विंग का अल्फा वेंडिंग ही निकला था, बट एकदम से वो वेंडिंग का जो दिख रहा था वो गायब हो जाता है एंड फिर विंग का अल्फा कोई भी नहीं था, मतलब कि विंग का अल्फा कोई भी नहीं नज़र आ रहा था। सब लोग शॉक्ड हो चुके थे कि विंग का अल्फा क्यों नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि विंग का अल्फा अभी थोड़ी देर पहले ही वेंडिंग था, वेंडिंग निकला था, बट अब वेंडिंग भी नहीं है, मतलब कोई और ही है। यहाँ पर वांग जी जो कि देखता है विंग को, क्यों विंग बेहोश होने वाला था, विंग नीचे ही गिरने वाला था कि वांग जी उस जो कवच होती है ना उसको तोड़कर विंग के पास चला जाता है और इसी चक्कर में यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाता है विंग और वांग जी का। यहाँ पर वांग जी का जो उमेगा था उसका बॉन्ड कहीं और लग जाता है और जो विंग का अल्फा था उसका बॉन्ड वांग जी के साथ चल जाता है, मतलब कि विंग का जो अल्फा है ना वो अब वांग जी है एंड वांग जी का जो उमेगा है वो अब विंग है, बल्कि ये दोनों अब अल्फा ओमेगा पार्टनर्स हो गए हैं। वांग जी विंग को पकड़ते हुए कहते हैं विंग विंग उठ जाओ, विंग क्या हुआ है तुम्हें, विंग, वांग जी ऐसा करके चिल्ला रहा था। यहाँ पर विंग जो कि वांग जी मतलब कि अपनी आंखें वो एकदम बंद खोल कर रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था, बहुत ज़्यादा ही, उससे अब खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वांग जी सीधा उसे अपनी बाहों में लेता है और कहता है ब्रदर जल्दी से आयुर्वेदिक वालों को बुलाओ जल्दी से। ऐसा वांग जी कह के उसे सीधा अपने बेडरूम में मतलब कि अपने रूम में ले जाता है। यहाँ पर विंग जो कि बस वांग जी को देख रहा था आंखें ब्लिंक करके, यहाँ पर सब लोग शॉक्ड में थे क्योंकि विंग का अल्फा कोई और था, फिर एकदम से गायब होकर वांग जी आ गया, और वांग जी का ओमेगा कोई और था बट अब विंग है, क्योंकि वहाँ पर जो दिखाया गया था ना वेंडिंग का ओमेगा कोई और है और वांग जी का ओमेगा कोई और था, बट वहाँ पर अब विंग आ चुका है एंड विंग का अल्फा वांग जी आ चुका है, वांग जी विंग अल्फा ओमेगा हो चुके हैं खुद के एक दूसरे के। वांग जी विंग को लिटा देता है, यहाँ पर जो आयुर्वेदिक वाले होते हैं ना वहाँ के डॉक्टर टाइप, तो वो आते हैं एंड विंग को चेक करते हैं, तो कहते हैं कि इसे थोड़ा वीकनेस आ चुकी है, इसने खाना भी नहीं खाया, मतलब कि वगैरह वगैरह एक्स्ट्रा जो चीज़ है वो वांग जी को बताते हैं। वांग जी जो कि विंग को देखता है, विंग जो कि अभी लेटा हुआ था और सोया हुआ था, वांग जी उन लोगों को कहता है ठीक है। यहाँ पर शिचान और चंग वहीं पे थे, यहाँ पर वांग जी के डैड भी आ जाते हैं और वो वांग जी को कहते हैं वांग जी, वांग जी कहता है डैड अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, देखो मैंने मेरी सक मेरे जो गुस्से को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया बहुत ही ज़्यादा, पर अब मुझे मेरी शक्तियाँ वापस चाहिए। डैड मैं इस बार रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं, मुझे मेरी शक्तियाँ वापस चाहिए, वांग जी ऐसा बोलता है एकदम चिल्लाते हुए, मतलब कि एकदम गहरी आवाज़ और चिल्लाते हुए, जैसे कि वो एकदम ऐसे टोन में बोल रहा हो कि सारे लोग कपकपा जाए, वहाँ के कुछ लोग कपकपा ही गए थे। फिर शिक्षण थोड़े से वांग जी से ना दूर खिसक गए थे। वांग जी कहता है अगर मुझे मेरी शक्तियाँ नहीं मिली तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ऐसा वांग जी बोलता है। यहाँ पर वांग जी के डैड बोलते हैं चिरन वांग जी इसी वजह से मैं तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हें नहीं दे रहा, क्योंकि तुम हर किसी को मारते फिरोगे,
सुरवांग जी कहता है, जब मेरे पास मिली शक्तियाँ थी तब मैंने किसी को हानि पहुंचाई थी क्या? सिर्फ उन्होंने मुझे हानि पहुंचाई थी, इसी वजह से मैंने उन्हें चोट पहुंचाई थी। मैंने किसी को जिंदा नहीं मारा था। बताओ, मैंने किसी मारा था कि जिंदा? फिर आप कैसे कह सकते हो कि जब मेरी शक्तियाँ मुझे मिल जाएगी तो मैं सबको मार दूंगा? वांग जी ऐसा कहता है। यहाँ पर चिरान भी सोच में पड़ जाते हैं कि हाँ सही है, क्योंकि जब वांग जी को उन लोगों ने बुली किया था तो वांग जी ने उनके साथ बस थोड़ी सी, मतलब कि थोड़ा सा उन्हें हर्ट किया था, ज़्यादा भी नहीं मारा था, उन्हें जिंदा ही नहीं मार दिया था। उन्होंने जैसा वांग जी के साथ किया था, वांग जी ने तो बिल्कुल थोड़ा सा ही किया था उनके साथ। मतलब कि जैसे वांग जी को उन्होंने बुली किया था, वांग जी के हाथ में ना वो सुइया होती है ना, वो भी चुभोई थी, और वांग जी को बहुत मारा भी था, और वांग जी के मुंह से ब्लड भी आ रहा था, बट वांग जी ने उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्हें सिर्फ है ना डराने के लिए सिर्फ डराया ही था। इसी वजह से वांग जी के डर ने वांग जी की शक्तियाँ सील कर दी थी, कि उन्हें लगा था कि वांग जी उन्हें मार डालेगा करके, पर वांग जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वांग जी कहता है, मुझे मेरी शक्तियाँ वापस चाहिए डैड, मुझे अभी के अभी मेरी शक्तियाँ वापस चाहिए। इस पर वांग जी के डैड वांग जी की तरफ देखते हैं। यहाँ पर वांग जी बहुत गुस्से में बोल रहा था, बहुत ज़्यादा ही गुस्से में, उसकी आंखें पूरी की पूरी रेड हो चुकी थी। एंड वांग जी के डैड को अब वांग जी से डर लगने लगा था, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा ही गुस्से में था, एंड उससे उसका जो बिहेव था वो थोड़ा सा चेंज हो चुका था। वांग जी को अभी विंग की हालत बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही थी, बिल्कुल भी नहीं। जो वनिंग ने करने की कोशिश किया, वनिंग अब जिंदा बिल्कुल भी नहीं बचने वाला, बिल्कुल भी नहीं। या फिर वांग जी कहता है, मैंने बोला डैड मुझे मेरी शक्तियाँ वापिस दीजिए, ऐसा वांग जी कहता है। ना चाहते हुए भी चिरन को वापिस शक्तियाँ वांग जी को देनी पड़ती है। वांग जी को जैसे ही शक्तियाँ मिलती है, वैसे ही जितने भी आसपास वांग जी के लोग थे सब उड़ जाते हैं, सिवाय विंग को छोड़कर, क्योंकि विंग वांग जी का ओमेगा है, इसी वजह से विंग झेल सकता है। बाकी सारे के सारे, मतलब कि यहाँ तक कि हमारे चैंग, शिचैन, वांग जी के डैड, सैनिक, सबके सब दूर जाके गिरते हैं। वांग जी एकदम से हवा में उड़ता है और कहता है, वन नहीं, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ऐसा वांग जी क्या है विंग की तरफ देखता है। वो अपनी कुछ शक्ति विंग को जो कि विंग के अंदर ट्रांसफर कर देता है, एंड फिर वहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ पर शिचैन, चैंग और सबके मुंह से ब्लड आ रहा था, सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। यहाँ पे कुछ सैनिक तो वहीं पे मर चुके थे। वांग जी कितनी पावरफुल शक्तियाँ, क्योंकि एकदम एकदम आई थी ना, इसके चक्कर में कुछ सैनिक मर चुके थे। चिरान बोलते हैं, इसी वजह से मैं तुम्हें नहीं दे रहा था तुम्हारी शक्ति, इसी वजह से मैं नहीं दे रहा था। शिचैन बोलते हैं कि शांत हो जाइए, वो कुछ नहीं करेगा, बस वो बस यूं ही बोल रहा है, कुछ भी नहीं करेगा वो। इस पर चिरान बोलते कि वो सबको मार देगा, वो सबको मार देगा, वो खूंखार डेविल बन जाएगा, मैं नहीं चाहता शिचैन। इस पर शिचैन बोलते हैं, वो हमारे काम आ सकता है ना? चिरान बोलते हैं, क्या काम आ सकता है वो? इस पर शिचैन बोलते हैं कि यही, क्योंकि हमारे यहाँ वेंस जो कि जल्द ही हमला करने वाले हैं, एंड उनके पास हमसे भी ज़्यादा पावरफुल शक्तियाँ हैं, तो हमारे पास, हमारा वांग जी है ना, जिसके पास इतनी पावरफुल शक्ति है जिस इस दुनिया में किसी के पास भी नहीं है, तो हम उसे आगे रख सकते हैं। वो सबको मार तो देगा ना, वो वॉर में काम आ सकता है। आप समझते क्यों नहीं डैड, आप हमेशा उल्टा क्यों सोचते हैं? शिशान की बात सुन चिरान समझते हैं, और चिरान कहते कि ये तुम सही कह रहे हो। शिशान बोलते हैं, सही कहा, इसलिए चिंता मत कीजिए, वो किसी के साथ कुछ नहीं करेगा, बस वो वंश के कुछ ही सैनिकों को मार देगा और कुछ भी नहीं। वैसे भी उसके साथ उसकी पूरी शक्तियाँ उसे मिल चुकी है, बट उसका गुस्सा भी कंट्रोल में है, थोड़ा घना ही अलग है बट कंट्रोल में है। एंड वंश की पावर हमसे 10 गुना ज़्यादा है, और वांग जी की पावर उनसे 10 गुना ज़्यादा, इसलिए चिंता मत कीजिए, हम सेफ है। बस जल्द ही वंश हम पर हमला करने वाले हैं, एंड वांग जी हमारी हेल्प कर सकता है। वांग जी ही इकलौता है जो गुसु को बचा सकता है। इस पर चिरान सोचते हैं कि हाँ, सिर्फ वांग जी ही ऐसा एक है जो गुसु को बचा सकता है, और कोई भी गुसु को नहीं बचा सकता, बिल्कुल भी नहीं। वह खुद भी गुसु को नहीं बचा सकते, क्योंकि वेंस की पावर इतनी ज़्यादा है, और वेंस के सैनिक बहुत ज़्यादा है, मतलब कि करोड़ों में वेंस के सैनिक है, बहुत ज़्यादा ही। इसी वजह से चिरान भी कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। वो कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो शिचैन। शिचैन बोलते हैं कि हाँ, अब हमें यहीं पे विंग को छोड़ देना चाहिए, और वैसे भी वांग जी की शक्ति की वजह से मेरे और चेंग के मुंह से बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है, तो हमें हमारी शक्तियाँ थोड़ी सी कंट्रोल में करनी होगी, तो हम चलते हैं।
शिचान ऐसा बोल चेंग को लेकर वहाँ से चले जाता है। कुछ सैनिक होते हैं वो चिरान के पीछे पीछे चले जाते हैं। यहाँ पर विंग अकेला था। विंग को शक्तियाँ तो मिल चुकी थी वांग जी की, एंड इसी वजह से विंग को अब होश आ रहा था। विंग होश में आता है एंड वो वांग जी करके बूम पारता है। यहीं पे मैं स्टोरी स्टॉप करी हूँ। नेक्स्ट पार्ट इसका लास्ट पार्ट होगा। वॉर के साथ साथ वनलिंग की मौत भी हो जाएगी भाई। नहीं नहीं वनलिंग की मौत नहीं होगी भाई, वनलिंग सुधर जाएगा और कुछ भी नहीं, और विंग और वांग जी बहुत हैप्पीली रहेंगे। यही स्टोरी है। वैसे आई होप कि ये स्टोरी